भाई एसएससी सीजीएल का जब भी रिजल्ट आता है उसके बाद एक राष्ट्रीय मुद्दा उठकर खड़ा होता है कि ये वाला जो टॉपर है कौन सी कोचिंग से पढ़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि ये हमारी कोचिंग का नाम ले ले तो हमारा बैनर बड़ा हो जाएगा, हम और ज़्यादा लड़कों को बेवकूफ़ बना पाएंगे। अब यही 2021 वाले में हुआ। एक तो साला टॉपर्स का मतलब पता नहीं क्या सीन है, अगर 7,000 वैकेंसी है तो 1 से लेकर 6,999 तक वाला टॉपर है। हर कोई अपने आप को टॉपर ही बताता है, कोई ये नहीं कहता कि भाई मैं 2 नंबर से अपना सिलेक्शन लिया हूँ, ना हम टॉपर हैं। 5,000 रैंक वाला भी टॉपर कह रहा है, 6,000 वाला भी कह रहा है, 1 से 10 वाले तो उस नस पे लिखा काट काट के लिख ही रहे हैं कि हम टॉपर हैं। हर जगह उनका पोस्टर लग रहा है, हर कोचिंग वाला ये क्लेम कर रहा है कि भाई ये हमारे में है। अब दिक्कत क्या आ जा रही है, कुछ कोचिंग वाले ज़्यादा पैसा दे देते हैं, कुछ कोचिंग वाले कम पैसा दे पाते हैं, जिसकी जितनी हैसियत रहती है। अब क्या कर सकते हैं, देखो वो पैसा जो पेल के बैठे हैं वो हम ही लोगों का पैसा पेले हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपना पैसा लगाकर मार्केट वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जब वो पैसा देकर टॉपर्स को खरीदते हैं तो जब उन कोचिंग वाला खरीद लिया, उसके अपोनेंट वाला जो दूसर की कोचिंग वाला है वो कहता है साला चोर है, चोर सब है। एक चीज जान लो, चाहे टॉपर्स हो गए चाहे टीचर्स हो गए, लुंगी के नीचे हर आदमी नंगे है। कितना भी कोई दिखा ले कितना, एक तो हम लोग के साथ दिक्कत क्या हो गई है, हम लोग टॉपर्स को टीचर्स को भगवान बना देते हैं, ईश्वरीकरण कर देते हैं कि भाई इनके बारे में तो बोल ही नहीं सकते, इनके बारे में कैसे बोल दिए, ओहो तुम बहुत गलत कर रहे हो, ये कैसे होता है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करो। देखो टीचर्स की रिस्पेक्ट करो एकदम सही बात है, टीचर्स बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन यूट्यूबर्स की कभी रिस्पेक्ट मत करो, मेरे जैसे की करो, लेकिन जो टीचर्स प्लस यूट्यूबर्स हैं ना उनको मतलब चप्पल से मार मार के भगाओ। क्या ही तरीका चल रहा है, अब देखो साला ऊपर से कोई देख रहा है क्या कि क्या कर रहा है, छोड़ो टॉपर खरीद रहा हूँ। तो दिक्कत कहाँ आती है, आज के टाइम पे टॉपर्स को हो गई है आइडेंटिटी क्राइसिस। जिसका भी सिलेक्शन हो रहा है मैं देख रहा हूँ आजकल निब्बे निब्बे साला एक्साइज इंस्पेक्टर बन गए हैं या एएसओ बन गए हैं, उनको ये बताना है कि मैं ये हूँ। अबे तो हो तो मैं क्या करूँ भाई, तुम बार बार ये क्यों बता रहे हो, एक्साइज इंस्पेक्टर दिस एएसओ दिस, क्या गाली नहीं दे सकता। आइडेंटिटी क्राइसिस इतना ज्यादा है तो अपने माथा पे लिखवा लो तुम एक्साइज इंस्पेक्टर हो, बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तुम साला सबको मोटिवेशन दिए जा रहे हो कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, अबे चीजें लिमिटेड है, इतना ज्यादा हरदम बताने की जरूरत नहीं। हर तीसरी वीडियो में तुम स्ट्रेटजी बता दे रहे हो, किस बात की स्ट्रेटजी बता रहे हो, मोटिवेशन दे रहे हो कि डिप्रेशन दे रहे हो तुम, मतलब इतना ज्यादा तो आईएएस आईपीएस भौकाल नहीं मचाए हुए जितना ज्यादा ये साले निब्बे जो सिलेक्ट हो गए हैं कुछ वो भौकाल मचाए हुए हैं। अबे कुछ लोग जेनविन होते हैं, उनकी स्ट्रेटजी समझ में आती है कि हाँ बता रहे हैं सही, जेनविन लगता है। अब देखो टॉपर्स के साथ क्या होता है ना, वो कुछ भी हक देंगे ना तुम लगेगा अरे बहुत अच्छी हक है इसने, तो मतलब वो बता दे कि मैं 40 घंटा पढ़ता था, लोग कहेंगे हाँ पढ़ता रहा होगा। कोई नॉर्मल लड़का ही थे जो सिलेक्शन नहीं हुआ वो बोल दिया कि मैं 40 पढ़ता था, उसका तो पहले मार के भगा देंगे। वो 8 घंटा भी बताएगा ना तो उससे कहेंगे ना 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 तुम करे थे लौंडियाबाजी, तुम पढ़े तो नहीं थे। टॉपर्स का अलग हुआ बना है, अब वो साला बिक गया, मार चल रही है। एक तो मैथ्स वाले जो टीचर्स हैं मतलब क्या ही कहूँ यार मैं, यार तुमको मान लो पनीर की सब्जी बनानी है ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी ना, पनीर लगेगा, मटर लगेगी और ग्रेवी व्रेवी, तेल, धनिया, जीरा पीरा सब रहेगा, सब्जी में सबका योगदान है। अभी खाली पनीर का है कि हम ही हैं तभी सब्जी बनी है, तो ये पनीर का घमंड है खाली। मैथ के टीचर्स के आज के टाइम पे क्या हो गया, उनकी कोई खास वैल्यू रह नहीं गई है। देखो 2000 जब तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तब तक मैथ की वैल्यू थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता था, 35% के आसपास आता था। आज के टाइम पे मैथ की वैल्यू उतनी ही है जितनी रीजनिंग की वैल्यू है, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश की वैल्यू। तुम आज तक किसी देखो कि दो इंग्लिश के टीचर लड़ रहे हैं आपस में, यहाँ पर टीचर मार कर रहे हैं, यहाँ देखो बंदर भी एक आ गया, दौड़ा लिया तो साला टॉपरों नहीं खरीद पाएंगे। खैर हम तब तक और देखते हैं क्या हो सकता है। अबे बंदर टपर वही आ गया है क्या, बंद करो कैमरा वैमरा, टपर आ गया है, एक इंटरव्यू ले लेते हैं इसका पहले। अब देखो हम क्या सोच रहे हैं, हमने एक यूनिटी हम सोच रहे हैं बनाए लड़कों की, और हम खुद एक कोचिंग खोलें। कोचिंग खोलने के बाद जैसे कोई गाड़ी दे रहा है, कोई टैबलेट दे रहा है, कोई ट्रिप करा दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि हम आपको करोड़ों रुपया देंगे लाखों रुपया देंगे, जो साला लाखों रुपया ले रहा है वो चूतिया लग रहा है लोगों को, अबे यार इतने कम में बिक गया ये तो बड़ा गलत किया। हम जो कोचिंग खोलेंगे ना उसमें जो कोर्स रहेगा, देखिए भाई साहब कोर्स की फीस उस तो तुम क्या ही दोगे, फीस दे ही नहीं पाओगे, क्यों दोगे फीस, अबे सब फ्री में जब अवेलेबल है तो फीस क्यों दोगे। हम वो बेवकूफ़ बनाने के लिए खाली तुमसे फीस लेंगे। तुमको करना क्या है, देखो सिलेक्शन अगर एक बार हो जाए तुम्हारा, तुम खाली मेरा नाम ले लेना कि असाब की वीडियो देखा था सिलेक्शन हो गया, बस मैं 40x45 का पोस्टर वोस्टर बनवा के लगवा दूंगा, इतनी रीच है मेरी। उसके बाद क्या होगा, हम आपको गर्लफ्रेंड दिलाएंगे, और अगर लड़की हुई तो उसको बॉयफ्रेंड दिलाएंगे, शादी कराएंगे। ये सबसे जेन्युइन आज के टाइम पे चीज़ है जो एक
सिलेक्टेड लोग को देना चाहिए। भोसड़ी बंदर आ गया भागो।